सो गुड मॉर्निंग दिल्ली। और यार आज मैं आया हूँ यहाँ पे किसी काम की वजह से, तो चलो सुबह फटाफट एक कप चाय के साथ हो जाए और आगे अब जाके हम अपना ट्राई करेंगे। और सबसे मेन थिंग यहाँ पे ये है कि आज मेरे स्टे का बिल्कुल भी अता पता नहीं है कि मैं बस मेट्रो में बैठ के निकल चुका हूँ मेन राजीव चौक तक। लेटर मैं डिसाइड करूँगा कि कहीं अपने नॉन के यहाँ रुकना है या कहीं बाहर, तो कोई डिसीज़न नहीं है अभी। चलो अब यहाँ से चलते हैं आके सीधा, एंड लेट्स सी। यार वेदर तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उतना ठंडा नहीं है जितना दिल्ली हमेशा एक्सपेक्ट करता है और नॉर्मल है, तो चलिए फटाफट मेट्रो पकड़ते हैं और चलते हैं अपने आगे के सफ़र पर। इस लेवल का बिजी शहर है, अगर आपको यहाँ पर लाइन्स का नहीं पता तो आप सच में यहाँ पर स्टक हो जाओगे और आपको रास्ता भी नहीं मिल पाएगा। कि सामने अंकल बैठे स्टक हुए हैं, मैं वही कह रहा, मैं कहा अगर रास्ता ना पता होगा तो अंकल की तरह स्टक हो जाओगे। तो आप नीचे जाओ, येलो लाइन फिर वायलेट लाइन, ठीक है? हुडा सिटी बोलो। हाँ, हुडा सिटी सेंटर। ओके। एंड मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि वीडियो बनाई थी कि आपको अगर आप न्यू हैं दिल्ली में तो आप कैसे फॉलो करके अपनी येलो लाइन ब्लू लाइन को आप इजीली मेट्रो पकड़ सकते हैं, और वो पूरा वीडियो प्रीवियस चैनल पे ही है। और आप चेक करेंगे, इसमें इतना रश है यार, सुबह सुबह का टाइम है और देखो, और लगता है दूर से कि दिल्ली बहुत हैपनिंग प्लेस है यार। मेट्रो में जाओ सुबह सुबह, सबसे डिप्रेसिंग लोग इधर ही पड़े हुए हैं। और रास्ते में आते जाते एक बिरयानी मिल गई। मेन तो मेरा जामा मस्जिद जाने का था, बट लेकिन थोड़ा सा आज मैं लेट हो जाऊँगा तो मैं कल जाऊँगा। ये भाई साहब की मुस्कुरा रहे हैं, डोंट नो, चलो। बट लेकिन यहाँ पे हैदराबादी बिरयानी बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मैं कहा चलो खा के चलते हैं आगे। तो मैं आपको यहाँ की बेस्ट बुक मार्केट दिखाने वाला हूँ। दरियागंज बुक मार्केट है, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन से आपको बाहर निकल के यहाँ पे जाना है। तो चलो आपको दिखाते हैं कैसे एक्सपीरियंस होता है। इतना चलना भी पड़ता है मेट्रो स्टेशन पे, तो जो लोग आ रहे हैं थोड़ा सा अपने आप को ना फिट करके आएँ। मेरा तो दिवाला निकल गया है, मैं फिर भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये पीछे स्टेशन है, इतना कई बार वॉक पाथ आपको कवर करना पड़ता है, बिकॉज मेरा जो ये मेट्रो स्टेशन है ये अंडरग्राउंड है, तो आपको थोड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ ये ऐसी बुक मार्केट है जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, यहाँ इतने कम प्राइजेज में बुक्स मिलती हैं, जो लेटेस्ट मटेरियल आया हुआ है वो भी। तो अगर पसंद आए तो यहाँ से पूछूंगा कि होम डिलीवरी हो सकती है, कि अगर आप में से किसी को मंगवानी हो तो नंबर शेयर कर दूंगा उनका, अदरवाइज आपको खुद ही आके लेनी पड़ेगी। इतने बड़े बड़े एस्केलेटर्स आपको सिर्फ दिल्ली में देखने को मिलेंगे, पता नहीं कितने 30-40 फुट का होगा ये प्रॉपर। इस लेवल का थका हुआ हूँ, नहीं तो मैं सीढ़ियों से ज़रूर चलता यार, हिम्मत भी नहीं है, ऊपर से बैग भी टांगा हुआ है। तो कोशिश कीजिए अगर आप दिल्ली घूम रहे हैं तो विदाउट बैग आइए, और थोड़ी बहुत बकचोदी करते हुए हम थोड़ा निकल जाते हैं यहाँ से बाहर। और अब लेट्स सी यहाँ पे रश मिलता है क्या मिलता है दरियागंज बुक मार्केट में। ये यहाँ की मार्केट, अब यहाँ पे देखो ये 100 के 3 नॉवल, ये डोंट नो ये बेस्ट सेलिंग वाले नहीं है, बट लेकिन हाँ ये बुक्स भी आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो जिन जिन लोगों को नॉवल्स या बुक्स पढ़ने का शौक है वो यहाँ पे इजीली ख़रीद सकते हैं। और ये मार्केट देखो आप, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है बुक्स लवर के लिए। बहुत ही ज़्यादा रश, और अपना व्हीकल हो तो ही यहाँ पर आए, और बहुत चीज़ें ऐसी होती है मन खरीदने का करता है, वरना कि उसको लेके कैसे जाएँ। अब मेरी अभी तक ना बस बुक हुई है ना कुछ, तो मैं अभी अपना व्हीकल ऑफ सोर्स दिखूँगा कैसे जाना है वापस जलंधर। तो बस ये अभी जाम मस्जिद जा रहा हूँ, और वहाँ का मस्त एकदम, जब भी जाम मस्जिद जाते हैं सीख कबाब और बिरयानी तो ज़रूर खाते हैं। अब बहुत शोर शराब है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश है, बट दिल्ली है पता है, ऐसा ही है दिल्ली। तो चलो अब जाम मस्जिद जाते हैं, वहाँ पे कुछ खा पी के आफ्टर दैट आपको बताते हैं कि हम हर बार कहाँ जाते हैं। मैंने कभी शॉप का नाम नहीं लिया, पर आज जाके आपको शॉप भी दिखाते हैं। सो ये मेन एंट्री आ गई है हमारे जाम मस्जिद की, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वॉकिंग नहीं कर सकते, बट लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा दूर था, 2-3 किलोमीटर के रेडियस पे, तो मैंने ये रिक्शा ले ली। अदरवाइज़ आप यहाँ पे जाम मस्जिद के मेट्रो स्टेशन से आपको 5 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस पड़ेगा, आप इजीली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये जाम मस्जिद हमारे बिल्कुल सामने, और यहाँ पे वन टाइम विजिट है, मैं गया हूँ वैसे पिछले साल आया था, तो यहाँ पे मैं जाकर आया था। और अब यहाँ पे मैं जब भी आता हूँ, पर लेकिन मैं फूड मार्केट ज़रूर ट्राई करता हूँ, और यहाँ पे रश भी आपको बहुत मिल सकता है आई थिंक सो। इतने में तो मैंने पैदल ही चले जाना था, तो मैं उतर गया, और यहाँ पे पैदल चलते चलते ये सामने मेन जामा मस्जिद का गेट आ जाएगा, इसके बिल्कुल ठीक सामने फूड मार्केट है जो नॉन वेज लवर्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। और अपनी आप एक दो कोई दुकान ऐसी चूज़ करके रख लो कि आपको और कोई सर्च करनी ही ना पड़े। तो मैं भी आपको उधर ही लेके जा रहा हूँ, जहाँ मैं हर 3 महीने में कह लो या 3.5-4 महीने में कह लो, मैं हर बार ही जाकर आता हूँ। मैं ज़्यादा अंदर भी नहीं जाता, मैं थोड़ा सा ज़्यादा कि जो फ्रंट पे मार्केट आ जाए, मैंने एक वो चूज़ कर रखी है। चलो आपको भी दिखाते हैं वो कौन सी शॉप है, नाम मुझे भी थोड़ा सा भूल गया।
बिकॉज मैं कभी नाम नहीं देखा, एंड वो शॉप इस लेवल की है कि वो कस्टमाइज करी जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं उसको, और हाइजीन लेवल भी थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक ठाक है। और अब आपको इधर, और इधर ही ये वो मोहब्बत का शरबत वाले हैं जो बैठते हैं थोड़ा सा आगे, अभी नहीं जाऊँगा बिकॉज मैं लास्ट टाइम मिल चुका हूँ, तो मैं थोड़ा सा बस खा पी के यहाँ से निकलता हूँ, बस मेरे को ना मेट्रो पकड़ दिया, मेरे को कहीं जल्दी पहुँचना है अभी। तो चलिए आपको शॉप दिखाते हैं। ऐसे आपको हर जगह मिल जाएंगे शीरमल वगैरह, बिरयानी, सीख कबाब, रोटियाँ, हर तरफ ही बेस्ट मिलेंगी। बट जहाँ आप हर बार खा रहे हैं, आई होप सो कि आप उधर ही हर बार ट्राई कीजिए। और यहाँ पे अब थोड़ा सा भटकने के बाद मेरी शॉप कहाँ गई मुझे, तो यार काफ़ी भटकने के बाद हमें हमारी जगह मिल चुकी है। और देखो बहुत ही बेस्ट एम्बियंस बनाया हुआ है, और साथ में मैंने मंगाया कोरमा, चिकन कोरमा, यस। और ये साथ में इनकी रोटी देखो कितनी फुली फुली होती है, खाने का भी मज़ा आता है। और यहाँ पे टू ऑप्शंस मिलते हैं, और आई होप सो कि आप चिकन कोरमा ही खाएं, और इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑप्शंस। और यहाँ पे काफ़ी बिरयानीज़ हैं, सीख कबाब्स हैं, डेजर्ट्स में शीरमल है, बट लेकिन मैं बहुत ही रेयर खाना खाता हूँ यहाँ का। बट लेकिन यहाँ पे आज चीज़ ऐसी है कि सिर्फ जब भी आना है कोरमा और साथ में रोटी ज़रूर खानी है, और साथ में चिकन बिरयानी। एक बार आपको लुक भी दिखाता हूँ इसकी, कैसा लग रहा है मैं खाई जा रहा हूँ। ये प्रॉपर ऐसे सर्व करके देते हैं टू पीसीस के साथ, और ये इनके प्राइसेस भी बहुत नॉर्मल है। और यहाँ से खाने के बाद अब थोड़ी सी सैर करते करते निकलते हैं यहाँ से बाहर। अब अगला प्लान है सीपी का, वहाँ से कुछ शायद बाय करना है, तो एक चक्कर काटते काटते मेट्रो के साथ पहुँचते हैं सीपी। चलो यहाँ पे आ गया सीपी। और पहले जब मैं आता था ना, मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट लेवल होती थी सीपी देख के, बट आजकल ना थोड़ा सा बोरिंग चलने लगा। और रीज़न ये है कि मैं अकेले आया हूँ। सोलो ट्रैवलिंग आई होप सो सिर्फ पहाड़ों पे मज़ा आता है, बट जैसे मेट्रो सिटीज़ में ना आपके साथ कोई हो तो आई थिंक सो तभी मज़ा आए। और यहाँ पे भी सफ़र करने के बाद, थोड़ा सा थकने के बाद लगता है कि कहीं और चलते हैं। और सीपी इतना बड़ा है आसपास से, यहाँ पे आप चक्कर काटते काटते थक जाओगे। और जिन लोगों को एक्टिविटीज़ करनी, यहाँ पे साइकिल्स भी हैं रेंट पे, आपको मिल जाती हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे छपरी टिकटॉकर्स रात को वीडियोज़ बनाते हैं, तो रात को थोड़ा कम आया करें। ओके देन, थैंक यू सो मच फैमिली, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल फैमिली, थैंक यू सो मच।